हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे ऑर्गेनाइजेशंस की श्रृंखला, संगठनों को देख रहे थे। तो इसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात की थी एशियाई विकास बैंक के बारे में। इसमें बात करेंगे हम लोग RCEP के बारे में, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। क्या है? क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी है। याद रखिए, आपके जितने भी ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित चैप्टर लेक्चर खत्म होते जा रहे हैं, वो सभी महत्वपूर्ण संगठनों के नाम से जो आपकी प्ले लिस्ट सूची बनी हुई है उसी में डले हुए हैं। तो इसमें बात करते हैं RCEP के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा, 2019 में जो थाईलैंड में हुई है समिट, उसमें भारत अलग हो गया है। तो ये हुआ था 2012 में कंबोडिया में 21वें आसियान सम्मेलन के दौरान इसकी स्थापना हुई थी। कब? 2012 में कंबोडिया में 21वें आसियान सम्मेलन में। इसमें आसियान के सभी मेंबर और 6+ ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड शामिल थे। इस प्रकार इसमें टोटल 16 देश शामिल थे। ठीक है, ये मुक्त व्यापार समझौता था, लेकिन आपको पता है भारत अलग हो गया है 2019 में। इससे भारत अलग, तो अब बचे हुए हैं कितने? 15 सदस्य बचे हुए हैं। कौन कौन से 15 बचे हुए हैं? ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कंबोडिया, चाइना, इंडोनेशिया, जापान, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, साउथ कोरिया। ठीक है, अब 15 देश बचे हुए हैं, याद रखना है आपको। इसके बारे में बताएं आपको तो TPP का विकल्पिक है, यह चीन और भारत इसमें शामिल नहीं है TTP में। ठीक, आपको याद रखना है। क्या है? ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में भारत और चीन शामिल नहीं है, इसलिए वैकल्पिक के रूप में आपका RECP का गठन किया गया था। इसके उद्देश्य की बात करें, क्षेत्रीय आर्थिक साझेदारी के बारे में, RCEP के उद्देश्यों की बात करें, तो इसमें आसियान देशों एवं आसियान के FTA भागीदारों आधुनिक व्यापक उच्च गुणवत्ता पारस्परिक रूप से लाभकारी आर्थिक साझेदारी के लिए इसका गठन किया गया था। जैसा कि आपको पता है, RCEP का फर्स्ट सम्मेलन हुआ था 2017 में मनीला में, फिलीपींस में, और 2018 में हुआ था ये सिंगापुर में। 7वें मंत्री स्तरीय बैठक में सेकेंड लीडर समिट हुई है। 2019 तक समझौते को अंतिम रूप दे दिया गया था इसमें, लेकिन आपको पता है थाईलैंड में जो अभी हुई है समिट इसकी RCEP की, इसमें भारत ने अलग होने की घोषणा कर दी है। ठीक है, तो भारत अब इसका सदस्य नहीं है। RCEP वर्ता के कार्य क्षेत्र में आर्थिक एवं तकनीकी सहायता, निवेश, वस्तु एवं सेवा व्यापार, बौद्धिक संपदा, प्रतिस्पर्धा, विवाद निपटारा, ई कॉमर्स, लघु एवं मध्यम उद्योग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। RCEP भारत लुक ईस्ट पॉलिसी सफल बनाने का अवसर था भारत के पास। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में आर्थिक संभावनाएं को विकसित करने का मौका भी भारत के पास था। तो अब लेकिन भारत इससे अलग हो गया, तो अब कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 15 देश बचे हुए हैं, भारत अलग हो चुका है। ठीक है, तो ये था हमारा RCEP। अब बात करेंगे हम लोग आगे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ठीक है, ILO।